तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। पियउ गईले काल का तवा ए सजनी, पियउ गईले काल का तवा ए सजनी। मारा मतलब है कि जितनी अच्छी सुरीली लगे है ना, उतनी अच्छी चाय बनाती है, तभी तो मैं थारे साथ अठे आ जाऊं हूं। आप तो जानती हैं कि मैं अपनी फसलों में सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करता हूं। भाई जब से तुमने हमें कहा है ना, हम भी अपने खाने वाली फसलों में सिर्फ ऑर्गेनिक खाद ही डालते हैं। हेलो सुरीली, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा ये बताओ, हंटर बाबू कहाँ हैं? हंटर बाबू अभी भी यहाँ से निकले हैं अवतार के साथ, वो लोग अभी पहुँचते ही होंगे। लेकिन बात क्या है? कुछ खास नहीं, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। अच्छा ये बताओ, तुम पूरे समय कहाँ थी? मैं अवतार जी और हंटर बाबू पर नजर रख रही थी, पर छुप कर। अच्छा नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। अच्छा सुरीली, वो लोग आ रहे हैं, हम फोन रखते हैं। यस, मेरा भी ग्राहक दुकान पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बाय। ओके बाय। आइए अंकल। आप ठीक है ना? नानी ये अवतार है और ये आपके दामाद जी। दामाद जी आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बात क्या है माँ जी? क्या हुआ? हाँ कहिए, क्या बात है? मैं मसाला चाय बनाकर लाती। नहीं नानी, अभी मेरा तो मन कर गया है, और अंकल और अवतार भी थके हुए आए हैं, ये भी पी लेंगे। मैं बनाकर लाती। अवतार ध्यान रखना। माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, बस। अरे बस तक आते आते आप बस क्यों हो गई हैं? वो थोड़ा घबराई हुई है। उनको दवाई तो दी जा रही है, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। दरअसल वो आपको लेके घबराई हुई है। मुझे क्या हुआ है? उन्होंने एक सपना देखा है, उन्होंने सपने में देखा है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आपको खून निकल रहा है। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि माँ जी को कुछ हो गया। हुआ तो है ही,
वे अपने सपनों को लेकर परेशान हैं। अरे मखनी जी, सपना तो आया राम गया राम होता है, कुछ ही सपने याद रहते हैं। माँ ने वो सपना दिन में देखा है, इसीलिए वो डर गई हैं। अच्छा, सपने के बारे में समझाने के लिए मैं अलग से एक दिन आपकी क्लास लूंगा। एक बात सुनिए, सपनों के ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। मोटी बात समझ लीजिए कि सपना चाहे सुबह देखा हो चाहे रात को देखा हो, ये सब मन का वहम होता है और माँ जी के मन में भी ये वहम हो गया है। भले ही आप इसे मत मानिए, लेकिन ये पूरी तरह गलत भी तो नहीं है। मखनी जी, सवाल गलत और सही का नहीं है, आप जो सोचती हैं सपने में वही आपको दिखाई देता है। अगर आप खुश होती हैं तो आपको खुशी के सपने दिखाई देते हैं, अगर कोई आफत आई हो तो आपको डरावने सपने दिखाई देते हैं। एक बात है, याद है आपको जब अवतार बहुत छोटा था तो कई रातें वो चिल्ला चिल्ला के उठ जाता था, याद है? और हम सब डर गए थे और हम उसको गोद में उठाकर छत के ऊपर टहला करते थे, याद है कि नहीं? याद याद है। अब फिर क्या हुआ था? फिर हम लोग उसे चौबे जी के पास ले गए थे झाड़ फूक करवाने के लिए। तो झाड़ फूक करवाने से क्या हुआ था? हमने झाड़ फूक भी करवाया, उसके गले में जंतर भी डलवाया, उसका डरना बंद तो नहीं हुआ था ना? और फिर एक दिन रात में वो सोते हुए भूत भूत चिल्लाने लगा और हमें पता चला कि वो भूत प्रेत की सीरियल देखता है। और फिर जब हमने उसकी वो डरावनी सीरियल बंद करवाई, तब कुछ दिनों के बाद उसका डरना बंद हो गया। माँ की उम्र में और अवतार की उम्र में फर्क है ना? ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हर उम्र में सपने अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ असलियत क्या आपको पता? आपको भी तो नहीं पता। लेकिन आप इतनी बात समझ लीजिए कि वो गोली लगने की घटना से माँ जी को सदमा पहुंचा है। लेकिन अब आप फिर लेकिन को बीच में ले आई हैं। ये तभी से उनके मन में डर बैठ गया है कि मुझे कुछ हो ना जाए, ये अपनों से बिछड़ने अपनों से अलग होने का दुख है, इसलिए उनको सदमा लगा है। हमने भी सपनों के बारे में बहुत कुछ सुना है, भले ही सपने पूरी तरह सच ना होते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हकीकत होता ही है। और यदि आपको कुछ हो गया, मेरी दुनिया तो पूरी तरह अंधकार हो जाएगा। आपको ये सपनों पे विश्वास है और आप अपने पति के जीवन के लिए जो व्रत रखती हैं उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है? आप मेरी बात मानिए ना, कुछ दिनों के लिए आप बाहर मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अच्छा अच्छा, यही तो सबकी समस्या है कि काल्पनिक चीजों के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं और जो वास्तविकता है उससे हम कोसों दूर भागते हैं। अब चलिए एक काम करिए, चिंता छोड़िए, दो कप चाय बनाइए, एक अपने लिए एक मेरे लिए, चलिए आइए आओ और चिंता छोड़ो। सराबिया, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? बेटा तुम मुझे यहाँ पे सर्वर मत कहा करो, हमें कहना तो यही चाहिए। हाँ कहना तो यही चाहिए, लेकिन समय और स्थान देखकर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। क्रिमिनल सात ताले तोड़कर भी घर में घुस जाता है और आप तो बाहर हैं घर के। बेटा मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सच नहीं है? बात सच की नहीं है अंकल, बात क्रिमिनल के गेम की है। आपको तो खुद नहीं पता कि उनका अगला कदम क्या होगा। बेटा सुनो मेरी बात, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सर्वर मत कहा करो, हमें कहना तो यही चाहिए। हाँ कहना तो यही चाहिए, लेकिन समय और स्थान देखकर यहाँ किसी को भी ये लगने लगेगा कि पारिवारिक रिश्ते में ये सर कहाँ से आ गया, तो शक करने लगेंगे। सर हमेशा थोड़ी कहते हैं। बेटा अगर 2-4 बार भी मुंह से निकल गया ना, तो कहीं भी कभी भी ये सर मुंह से बाहर आ जाएगा। नहीं बोलेंगे, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या? ये फूलने का नाटक आप कब से करने लग गए? आपके बारे में तो खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में कहा जाता है कि दिमाग हो तो हंटर बाबू जैसा। तुम कहना क्या चाहती हो? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप खेत खलियानों में घूमने जाना कब बंद करेंगे। बेटा मैं खेत खलियान में घूमने फिरने नहीं जाता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने जाता हूँ। और एक बात बताओ, मैं अपने घर द्वार पर तो रहूंगा ही ना। अंकल गोली चलने से एक दिन पहले की रात इसी जगह पर हमने आपसे क्या कहा था, ये तो याद होगा ना आपको? हाँ याद है। अंकल आप इस तरह घर के बाहर नहीं घूम सकते। मैं घर में ही तो हूँ। आप घर में नहीं हैं, आप बाहर हैं, द्वार से कुछ दूर। अरे आपको पता है ना आपके ऊपर थ्रेट है। बेटा ये रास्ता, ये द्वार, ये मेरा घर ही तो है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। क्रिमिनल 7 ताले तोड़कर भी घर में घुस जाता है और आप तो बाहर हैं घर के। बेटा मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सच नहीं है? बात सच की नहीं है अंकल, बात क्रिमिनल के गेम की है। आपको तो खुद नहीं पता कि उनका अगला कदम क्या होगा। बेटा सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत बोल रही हो, लेकिन अगर हम डर कर बैठ गए तो कहीं भी आना जाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर अगर घर में ही बैठ गए तो गलत मैसेज जाएगा बाहर। सॉरी अंकल मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी और आप इस तरह रात को घर के बाहर नहीं घूम सकते। अरे बेटा ये पूरा गांव मेरा घर है और यहाँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। अंकल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी, चले गए आप खेतों में घूमने और गोली चल गई। शुक्र है भगवान का कि गोली लगी नहीं, अगर सवाल पूछा जाता तो किससे पूछा जाता, हमें जवाब देना पड़ता ना।
मैं नहीं, प्लीज आप चलिए अंदर। लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं प्लीज, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, चलिए आप चलिए। अच्छा जाता जाइए प्लीज। जाता हूँ जाता हूँ। समझ नहीं पा रही तुम कहना क्या चाहते हो आखिर। तुम समझना ही नहीं चाहती तो इसलिए इस बात को छोड़ो। अवतार में क्या नहीं समझना चाहती, ये एक तरफा बात ठीक नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत नाम था। सुरीली। हाँ सुरीली, किस तरह से घुल गया है ना तुम्हारी जुबान पर उसका नाम। अभी तुमने तो पूछा था उसका नाम। तो ये भी बता दो कि सुरीली सुर में गाती भी है क्या। अब ये क्या बात हुई। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉफी पी रहे हो? क्यों? कॉफी नहीं पीनी चाहिए? हमारे सवाल का जवाब क्या ये है? तो कैसा जवाब चाहिए था? अरे हमें पहले से पता होता कि तुम कॉफी पी रहे हो तो हम दो कप नहीं लाते ना, एक तुम्हारे लिए और एक अपने खुद के लिए। अच्छा अच्छा रे, अब आपके एहसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एहसान की क्या बात है अवतार, हम तो ये सोच कर लाए थे कि हम साथ में कॉफी पिएंगे। तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कॉफी लाकर हमने कौन सा एहसान कर दिया। आज के समय में अगर कोई दूसरा किसी के लिए कुछ करता है ना तो उसे एहसान। यहाँ कोई कौन है और यहाँ दूसरा कौन है अवतार, मैं समझ नहीं पा रही तुम कहना क्या चाहते हो आखिर। तुम समझना ही नहीं चाहती तो इसलिए इस बात को छोड़ो। अवतार में क्या नहीं समझना चाहती, ये एक तरफा बात ठीक नहीं है। मुस्कुराने की बात नहीं है अवतार, बोला ना तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कुछ दिनों से तुम्हारा ये नाटक देख रही हूँ अवतार। नाटक मैं कर रहा हूँ या तुम? नाटक मैं
नाटक तो जिंदगी कर रही है हमारे साथ। हमें कहां जाना था और कहां आ गए। ये भी शायद कोई संयोग ही रहा होगा। ले लो अवतार, हमारा नहीं तो कम से कम इस कॉफी का ही मान रख लो। इस कॉफी का स्वाद उस दुकान वाली कॉफी जैसा तो नहीं होगा। क्या नाम था वो वीसीसी वाली लड़की का जिसकी दुकान पर जाने के लिए तुम परेशान रहते हो? बताया तो था उसने, बड़ा ही खूबसूरत नाम था। सुरीली। हाँ सुरीली। किस तरह से घुल गया है ना तुम्हारी जुबान पर उसका नाम। अभी तुमने तो पूछा था उसका नाम। तो ये भी बता दो कि सुरीली सुर में गाती भी है क्या? अब ये क्या बात हुई? कुछ तो बात होगी ना जो उसके माँ बाप ने उसका नाम सुरीली रखा। अच्छा तो तुम्हारा नाम नेहा है तो अंकल आंटी ने क्या सोच के नाम रखा था? हाँ, नेह शब्द से बना है नेहा, इसका अर्थ है स्नेह और प्यार। मैडम ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका जो नाम होता है वो वैसा ही व्यक्ति। लेकिन हमारे अंदर है बहुत। हम किसी को भी नफरत की नजर से नहीं देखते। हम सब से स्नेह संबंध बना कर रखते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा वैसे बात तो यहाँ सुरीली की चल रही थी। अब सुरीली सुर में गाती है या बेसुरा गाती है ये मुझे कैसे पता होगा? हम आपकी ही दुकान पे जा रहे थे और आप तो रास्ते में ही मिल गई। तो अब आप दुकान नहीं जाइएगा का? जाएंगे काहे नहीं, जाए बिना चैन कहाँ मिलेगा। तो फिर चलिए साथ साथ। साथ साथ मतलब कितनी दूर? अब ये तो आपकी मर्जी है, फिलहाल तो हम दुकान तक जा रहे हैं। वो कहा है ना कि वहाँ भी बहुत सारे लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे।